नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास खबर में। रामनगर की विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले लंबे समय से बाघ और गुलदार के आतंक से ग्रामीण दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं। बाघ और गुलदार की ओर से अभी तक कई ग्रामीण क्षेत्रों में कई ग्रामीणों को जहां एक और अपना निवाला बनाया जा चुका है, तो वहीं ये जानवर कई पालतू जानवरों को भी अपना शिकार बना चुके हैं। वन्य जीवों के आतंक से निजात दिलाने को लेकर ग्रामीण लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में जंगली जानवरों के आतंक से ग्रामीणों को निजात दिलाने में महकमा पूरी तरह नाकाम हो रहा है। आपको बता दें कि दो दिन पहले ग्राम चुकुम में जंगल में शौच करने गए गोपाल राम पर बाघ ने हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। तो वहीं रविवार की दोपहर ग्राम सावलदेव पश्चिमी निवासी दुर्गा देवी जब जंगल में लकड़ी लेने गई, तो इस महिला को भी बाघ ने अपना शिकार बना डाला। ऐसे में इस घटना के बाद गांव में जहां एक और बाघ की दहशत को लेकर ग्रामीण परेशान है, तो वहीं सोमवार को दर्जनों ग्रामीणों ने ग्राम सावलदे मुख्य सड़क पर जाम लगाते हुए धरना प्रदर्शन करते हुए कॉर्बेट प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों की ओर से ग्रामीणों को समझाते हुए जाम खोलने का अनुरोध किया गया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। इसी बीच पंजाब राज्य के जेट प्लस सुरक्षा प्राप्त एक वीआईपी भी इसी मार्ग से गुजरने वाले थे, जिसको लेकर पुलिस ने ग्रामीणों को काफी समझाया। इस बीच ग्रामीण और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन ग्रामीणों ने जाम नहीं खोला। इसी बीच पंजाब के इस वीआईपी की फ्लीट भी मौके पर पहुंच गई, जिसे देखकर ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए अपना प्रदर्शन उग्र कर दिया। साथ ही ग्रामीणों के आक्रोश को देखकर पंजाब के इस वीआईपी को आखिरकार अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि ग्रामीणों की मांग है कि हमलावर बाघ को जल्द ट्रैंक्विलाइज कर उसे गोली मारी जाए और ग्रामीणों को वन्य जीवों के आतंक से सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 11 फरवरी को रामनगर में एक राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें एक बड़े आंदोलन को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। सुबह से पूरे गाँव के अंदर रोष था। कल जो महिला को जो जंगल गई थी उससे जो है चारा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए, और उसको जो है बाघ द्वारा मार दिया गया, तो महिलाएं स्वतः फूर्त आज गांव वाले निकल के आए और ये रोड जाम करा। और हम देख रहे हैं कि इस उत्तराखंड के अंदर और खासकर रामनगर के अंदर देखें, परसों चुकम के अंदर जो शौच करने गया था आदमी, उसे घर के बाहर ही मार देता है। जो महिला घर से लकड़ी जंगल लेने के लिए जंगल में जा रही है लकड़ी लेने के लिए, उनको बाघ मार दे रहा है। तो बाघ का आतंक इस उत्तराखंड के अंदर और खासकर कॉर्बेट नेशनल पार्क के चारों तरफ इतना हो चुका है कि यहाँ पर रहना आने वाले समय में बड़ा मुश्किल हो चुका है। गाँव के अंदर भी हम रह नहीं पाएंगे। जंगलों के अंदर जाना तो छोड़िए, ढेला और झरना जोन बंद कर रखे हैं, और ये ग्रामीणों ने स्वतः कराए। देखिए, हम कह रहे हैं कि ग्रामीणों के अंदर रोज बहुत ज़्यादा है और खासकर महिलाओं के अंदर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि महिलाएं ही ज़्यादा शिकार हो रही हैं, क्योंकि वही जंगल जा रही हैं, वही घर बार देख रही हैं, वही ज़्यादा शिकार हो रही हैं। और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं सरकार से कि भाई, जहां हम कह रहे हैं कि 25 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए, सरकार गाँव वालों को पता नहीं क्या समझती है, सिर्फ 2 लाख का मुआवजा बढ़ाया जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। हम कह रहे हैं 25 लाख का मुआवजा दीजिए, घायलों को इलाज दीजिए। आखिर क्यों नहीं ये सरकार ऐसा कर रही है? हमारी एक तो इस बाघ को तुरंत पकड़ा जाए, ट्रंकलाइज किया जाए, इसे मारा जाए, इसे हटाया जाए, और जितने भी यहाँ पर जो बाघ अधिक संख्या में है उनको यहाँ से कोई सरकार ऐसी नीति बनाए जो दूसरे जंगलों में उन्हें भेजा जाए। यदि ऐसा नहीं करते फिर क्या है? देखिए, हम लोग फिर 11 तारीख को हमने एक राज्य स्तरीय कानिया के अंदर एक प्रोग्राम रखा है, एक मीटिंग कर रहे हैं, और ये समस्या क्योंकि राज्य की समस्या है, इस राज्य के अंदर जितने भी लोग वहाँ पर आएंगे, बैठ के जो भी निर्णय होगा, फिर हम एक बड़ा मूवमेंट इस उत्तराखंड राज्य के लिए तैयार करेंगे। रामनगर क्षेत्र में लगातार देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बाघ और गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जहाँ एक और कई ग्रामीण बाघ का निवाला हो रहे हैं, तो वहीं उनके पालतू जानवर भी इसका शिकार हो रहे हैं। ग्राम सावलदे में बीते दिवस एक महिला दुर्गा देवी को भी बाघ ने अपना शिकार बना लिया, जब वो जंगल में लकड़ी लेने गई थी। और उससे पहले दिन ग्राम चुकुम में भी एक 60 वर्षीय गोपाल राम को बाघ ने अपना निवाला बना लिया था। लगातार इस प्रकार की घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि इन बाघों को पकड़ा जाए। तो वहीं घटना के विरोध में आज सोमवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने सावलदे मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया और कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला और झिन्ना जोन में पर्यटकों की आवाजाही बंद कर दी। यहाँ तक कि पंजाब के एक जेट प्लस वीआईपी को भी ग्रामीणों का रोष झेलना पड़ा और ग्रामीणों ने उन्हें जाने नहीं दिया और उनको गो बैक के नारे लगा दिए, जिस कारण भारी मात्रा में पुलिस बल ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। आखिरकार पंजाब के इस वीआईपी को बैरंग लौटना पड़ा। ग्रामीणों की मांग है कि जो आदमखोर बाघ है इसको पकड़ा जाए और इसे गोली मारी जाए और ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो 11 फरवरी को रामनगर में एक राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें क्योंकि उन्होंने बताया कि पूरे उत्तराखंड में ही आज
जो है बाघ और गुलदार के आतंक से लोग परेशान हैं, इसको लेकर एक ठोस रणनीति इस बैठक में निकाली जाएगी और एक बड़ा आंदोलन उत्तराखंड में किया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन न्यूज़। तो ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।